आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की खबर विशेष में हम देखेंगे, बेबस स्पीकर ने कहा विधानसभा बंद कर दे, कोर्ट कर रहा सुनवाई, हो रही परीक्षा और छात्र हैं सड़क पर, विधानसभा में गरमाया छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा का मामला, पक्ष और विपक्ष ने की परीक्षा स्थगित करने की मांग, नहीं चला प्रश्नकाल, बजट पर भी नहीं हो पाई चर्चा, बाउरी कमेटी की अनुशंसा को सदन के पटल पर रखने की मांग, चतुर्थ झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट सत्र चल रहा है, किसी मुद्दे पर दोनों पक्ष के विधायकों का सहमत होना, सदन का असहाय और बेबस चेहरा सार्वजनिक होना, छात्रों का लगातार सड़क पर आंदोलन करना कहीं न कहीं झारखंड लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सही और गलत का निर्णय तो वे करेंगे जिनके पास इसका अधिकार है, वे चाहे हाई कोर्ट हो या राज्य सरकार, लेकिन छात्रों का यह आरोप तो शीशे की तरह साफ है कि 100 ने परीक्षा दी तो 106 पास कैसे हो गए। जेपीएससी के सचिव रहे जगजीत सिंह ने जब जुलाई में ही पीत पत्र जारी कर दिया था तो फिर अक्टूबर में उन्होंने आयोग की परीक्षा प्रक्रिया के स्क्रूटनी फॉर्म पर हस्ताक्षर क्यों किया। सोमवार को छात्रों को सदन और कोर्ट से राहत की उम्मीद थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई तो की लेकिन परीक्षा पर रोक नहीं लगाई, उसने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई और फिर फरवरी में अगली सुनवाई होगी। उधर विधानसभा अध्यक्ष के मुंह से आवाज आई कि हम बेबस और लाचार हैं, ऐसे में छात्र जाएं तो कहां जाएं? या तो स्पीकर अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या कहीं न कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। झारखंड विधानसभा में सोमवार को जो हुआ वैसा पिछले 18 सालों में नहीं हुआ था। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बजट पर चर्चा नहीं होकर जेपीएससी का मुद्दा गरमाया रहा। पेश है आजाद सिपाही टीम की विशेष रिपोर्ट। सदन शुरू होते ही विपक्ष जेपीएससी की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने या रद्द करने की मांग करने लगा। इस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका, बजट पर भी चर्चा नहीं हो पाई। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग रखी, साथ ही बाउरी कमेटी की अनुशंसा को सदन में रखने की भी मांग की। हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता और विपक्ष के विधायकों की भावनाएं एक हैं, सरकार जिद पर अड़ी है। सदन शुरू होते ही जेपीएससी मामले पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन अपनी बातों को रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र के शुरू होने के पहले दिन ही सदन में जेपीएससी की चर्चा हो रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों की भावनाएं एक जैसी है। आसन यानी विधानसभा अध्यक्ष की भी भावना यह है कि जेपीएससी परीक्षा का निदान निकले। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास असीम शक्ति है, वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए परीक्षा को रद्द करने का निर्देश सरकार को दे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जो परीक्षा चल रही है वह एक तरह से बंदूक की नोक पर चल रही है। अगर 27,000 के बदले 33,000 लोगों को परीक्षा देने का मौका मिल रहा है तो कुछ को क्यों रोका गया, सभी को मौका दे दीजिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे मामले की जांच गहनता से होनी चाहिए, उसके बाद ही सरकार को जेपीएससी की मुख्य परीक्षा लेनी चाहिए। सुखदेव भगत ने कहा 55 में से 18 स्क्रूटनी में शामिल और दे रहे परीक्षा। सदन में अपनी बात रखते हुए सुखदेव भगत ने कहा कि जेपीएससी की स्क्रूटनी में शामिल 55 में से 18 लोग ऐसे हैं जो स्क्रूटनी में काम तो कर रहे हैं लेकिन जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी शामिल हैं। वे परीक्षार्थी भी हैं और चयनकर्ता भी। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। उग्रवादियों के साथ सरकार वार्ता करती है लेकिन छात्रों के साथ वार्ता करने से सरकार पीछे हटती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश की व्यापम घोटाले की तर्ज पर यहां का जेपीएससी घोटाला होने वाला है। कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख ने कहा कि पूरा झारखंड जनप्रतिनिधि और विधानसभा अध्यक्ष से पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विधानसभा अध्यक्ष अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं, छात्र ऐसा सवाल कर रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि वह अपनी आत्मा की आवाज सुने और इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप मजबूर नहीं हैं,
अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को इस मामले में निर्देश दें। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि बावरी कमेटी की रिपोर्ट आखिर सदन के पटल पर क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही। कमेटी बनाने की अनुशंसा जब विधानसभा द्वारा की गई थी तो विधानसभा के पटल पर कमेटी की रिपोर्ट रखने में क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि मंत्री की अनुशंसा को जेपीएससी में सरकार क्यों नहीं लागू कर रही। उन्होंने कहा कि आसन का एक नियमन काफी है, परीक्षा स्थगित कराएं। सदन में अपनी बात रखते हुए सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बावरी कमेटी का प्रतिवेदन सदन में रखा जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे ऐसे लोग परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं जो स्क्रूटनी भी कर रहे हैं और परीक्षा भी दे रहे हैं। ऐसे में यह घोर अनियमितता का विषय है। सरकार को निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर जेपीएससी अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर झारखंड राज्य के सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए देता है तो झारखंड राज्य का भी भला होगा। यह बात सरकार को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय को गंभीरता से देखते हुए तत्काल परीक्षा को स्थगित किया जाए। अपनी बात रखते हुए विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा लेने में सरकार को आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है। इससे पहले भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा का रिजल्ट बताता है कि यहाँ उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो बाहर से होते हैं। यहाँ के लोग आज भी बेरोजगार हैं और बाहर के लोग आकर सरकारी नौकरी का मजा ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ मुंडा ने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिंतित है। उन्होंने कहा कि 27,000 छात्र ही परीक्षा दे रहे हैं। सोमवार को जेपीएससी मामले पर विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। सदस्यों ने झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विधायक हाथ में नारे लिखी तख्तियों को लेकर जेपीएससी में भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं। विधायकों का कहना था कि सरकार ने जेपीएससी में पैरवी सेटिंग और कमीशन खोरी की जानकारी के बाद भी आंखें मूंद रखी है। विपक्ष के विधायक मुख्य द्वार पर बावरी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उसे लागू करने के लिए आवाज बुलंद करते रहे। कांग्रेस के विधायक सुखदेव भगत ने जेपीएससी का फुल फॉर्म बताते हुए लोक सेवा आयोग को झारखंड पैरवी सेटिंग कमीशन खोरी आयोग बताया। छात्रों की जेपीएससी परीक्षा स्थगित करने की मांग के बीच सोमवार को जेपीएससी मुख्य परीक्षा शुरू हो गई। दूसरी ओर अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के समक्ष अपने एडमिट कार्ड के साथ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेपीएससी ने अपनी जो नकारात्मक छवि बनाई है उस स्थिति में एग्जाम देना उनके लिए संभव नहीं है। छात्र प्रतिनिधियों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर देर शाम तक विरोध प्रदर्शन से जुड़ी वीडियो को साझा किया। परीक्षा में शामिल होने के बाद छात्र फिर से आयोग कार्यालय के समक्ष पहुंचे और विरोध में जुट गए। सोमवार को छात्रों ने देर शाम आयोग कार्यालय के समक्ष कैंडल जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और नियमों का पालन किए बगैर परीक्षा का आयोजन करना छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है। छात्रों ने कहा कि हाई कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी है। ऐसे में उन लोगों के साथ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परीक्षा के बाद अगर कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जेपीएससी और सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाई कोर्ट की बिना अनुमति के रिजल्ट का प्रकाशन नहीं करे। कोर्ट ने सोमवार को शुरू हुई जेपीएससी छठी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थी पंकज कुमार पांडे ने जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। कहा कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाला परीक्षार्थी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वे अपना पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ने दो दैनिक समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करने का आदेश अपीलार्थी को दिया है। इसके अलावा जेपीएससी और हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी इस नोटिस को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
बता दें कि प्रार्थी ने सबसे पहले सरकार की उस अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे और वे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए जेपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया। प्रार्थी ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। एक ओर जेपीएससी मेंस को लेकर हंगामा बरपा है, वहीं सोमवार को कड़ी सुरक्षा में यह परीक्षा शुरू हो गई। राजधानी के 58 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। यह 1 फरवरी तक चलेगी। 2 पालियों में हो रही परीक्षा को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 58 परीक्षा केंद्रों समेत जेपीएससी कार्यालय के अलावा शहर में अन्य जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 10 डीएसपी और 115 मजिस्ट्रेट के अलावा 1000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस अपने स्तर से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एसएसपी अनीश गुप्ता ने विशेष दिशा निर्देश दिया है। सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान चौकन्ना और चौकस रहने का आदेश दिया है। छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा को कई छात्र रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए छात्रों का एक समूह लगातार आंदोलन कर रहा है। ऐसे में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।